स्वागत है जी फिर एक नए व्लॉग में। अच्छा मैं जैसे जैसे ऐसे बोल रही हूँ तो मेरा ये जो जुड्डा है ना वो भी हिल रहा है। हाँ तो जी फिलहाल टाइम हो गया है एक, हम दोनों जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि तैयार हो चुके हैं। हम जा रहे हैं थोड़ा सा पार्टी करने, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम जा रहे हैं जी अपना दिमाग खराब करने। क्यों नहीं यार, मेरा ही काम है। अच्छा हाँ भाई ये भी तो पार्टी बदल ली है, इन्हीं के काम से जा रहे हैं पुराना ग्वालियर। मैं पता नहीं क्यों जा रही हूँ, उन दोनों ने मुझे जबरदस्ती बोला कि तू भी चल, तेरे को गोलगप्पे खिलाएंगे और ये चल भी दी तो जी कुक्कू के कॉलेज वापस जाने का टाइम आने वाला है, तो इस उसके लिए जाने के लिए इसको चाहिए क्या क्या चाहिए तेरे को? रजाई। हाँ सिंगल बेड की रजाई, क्योंकि अपने यहाँ जो घर पे है वो सारी डबल बेड की है, तो इसको सिंगल बेड की रजाई दिलानी है। और हमें क्या लेना है? सर्दियों वाले पज्जू लेने हैं भाई, बहुत क्यूट से लेकर आएंगे, आज आपको भी दिखाएंगे, सारा दिखाएंगे, मतलब पजामे लेने हैं जिसको नहीं समझ आया। और मम्मी को एक आध चीज तो और कोई लेनी है, उसके लिए हम तीन बंदे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ओल्ड मार्केट जा रहे हैं। मम्मी जी भी तैयार हो गई, कुछ तो पार्सल आया है वो रिसीव कर रही है, और मैं आपको चल के अब बाकी सबसे मिलवाती हूँ। अच्छा तो यहाँ जी ओलू ऑटो की मगजमारी शुरू हो गई है मम्मी द्वारा। बाइक बाइक से जाएंगे, बाइक से लेके जाएगी। हाँ तो मैं तो बैठ जाऊंगी, तू लटक के जाना पीछे। अरे मेरा क्या, मैं चलाऊं क्या बाइक आज भी? हाँ यार तो फिर बाइक क्यों, एक्टिवा है तो। एक्टिवा तो प्राण निकल जाएंगे। हाय गुड मॉर्निंग गाइस। मम्मी आप, मैं देख रही हूँ कौन सा देश का गुड मॉर्निंग है यार, पापा कर रहे हैं। कोई नहीं आप तो कर दो अपने हिसाब का। हाय गाइस गुड आफ्टरनून, और मैं इसको देख रही हूँ कि आप लोग बुरा मत मानिएगा, और तू भी, पर तू आज अच्छी लग रही है कुछ। तारीफ हो गया। और मैंने पापा से पूछा, पापा इतनी दवाइयाँ आप खाने लगे, बोलते क्या करें, ये जो दो औलादे हैं ये मेरा इतना बीपी बढ़ाती हैं कि मेरी दवाइयाँ। पापा हम आपका बीपी बढ़ाते हैं? पापा सच आया मजा, बीपी तो कोई और बढ़ाता है हमारे घर में, हम तीनों का। थैंक्स। इस बेचारे छोटे से बच्चे तक का बीपी बढ़ा के रखती हो, कर रही है तो मुझे डिस्टर्ब ना करो, आप उसका भी बीपी बढ़ा के रखती हो। क्या हो गया, दिखाना कौन सी है ये गाय? दे देखो, 4 रुपए में। हाँ 4 रुपए में, कोई हलकट सी है क्या कुछ? अरे नहीं भैया ब्रांडेड है। 4 रुपए की? अरे मेरे उसके अकाउंट में जमा थे इसलिए। अच्छा नहीं अच्छी ठीक है, ये वो ब्रांडेड कंपनी है क्या? डीबेला। अच्छा डीबेले, ऐसे ऐसे लोकल वगैरह थोड़ी ना। हाँ, वो 4 रुपए में मिली हुई ब्लॉग पे लोग ऐसे ही बोलते हैं, ब्रांड किसी ने सुना नहीं है ना इन्होंने ना मैंने ना आप लोगों ने। एक मिनट गाइस देखिए और बताइएगा प्लीज कि ये ब्रांड एक फोकस नहीं हो रहा, दिखाओ क्यों कुछ बोल भी नहीं सकती ब्लॉग पे मैं, गरुड़ ब्रांडेड है वो। हाँ भाई ठीक है बहुत अच्छी बात है, बोल दिया दिखा रही है। चलो भाई ये दोनों तो मैं तुम्हें बताऊं, मुझे छोड़ के नीचे चले गए, बंदा एक मिनट वॉशरूम के चला गया, बाहर से बोलते हैं आज ही हम तो जा रहे हैं, ऐसे से ही है, कहाँ है बस पता नहीं अभी कहाँ चले गए। चलो मैं नीचे चल के फिर देखती हूँ कहाँ है ऑटो वोटो। आ गए मुझे छोड़ के, कैसी माँ बहनों हो तुम? 9095 तो नहीं है? नहीं ओटीपी बता रही हूँ, कर लो चेक भैया, गलत सलत बता रही है। तुम बैठ गई ना तो हर चीज तो गड़बड़ हो। मैं जाऊँ? मैं जाऊँ? बाय। पक्का जाऊँ? जाऊँ जल्दी बोल, रुकू या नहीं? बैठो मरो यहाँ। देखा चाहती तो तू भी है कि मैं चलूँ। तुम मेरे पीछे देख रहे हो और ये देखो अब इतनी भीड़ भाड़ में ले आई है ना, अब ये टोपियां भी देख रहे हैं यार, जो लेने आए ना वो नहीं देखेंगे, वो बाद में नंबर आएगा, जो ओरिजिनली हम लेने आए हैं, अब उसके आगे पीछे इतना 10 सामान ले लेंगे कि हमें पहुंचते पहुंचते ही मैच आधा निकल जाएगा। आज मैच भी तो है फाइनल। वाह जी वाह, वन टू एंड थ्री। तो गाइज यहाँ पे हमारी शॉपिंग भी हो चुकी है, कुक्कू जी के जो पज्जूस थे कहाँ से लिए वो? महाराज बाड़े से। हम नजरबाग मार्केट, नजरबाग। हम कहाँ हैं? हम टोपी बाजार में। हम टोपी बाजार में, यहाँ से मेरे पज्जू मिल गए हैं बड़ी मुश्किल से। पज्जू क्या होते हैं? पजामे बोलो। तुम ही बोलती हो पज्जू बचपन से है, हमें इन्होंने ही सिखाया है पजामों को पज्जू बोलना। मैंने लिए 3, कुक्कू ने कितने लिए? 2
हेलो जी, दो लेके सेटिस्फाइड। मैंने भाई बड़े क्यूट क्यूट कलर जो तुम्हें दिखाया ना वो लिए, थैंक गॉड आते ही मिल गए, बड़े क्यूट है। क्योंकि गाइस यहाँ पे ना सर्दियाँ आ चुकी है और मेरे जितने भी पज्जू थे वो ये भोपाल ले जा चुकी है। क्यूँ सारे भोपाल ले जा चुकी है। तो जी फिलहाल पजामों की शॉपिंग हो चुकी है हम दोनों की, अब हम जाएंगे रजाई देखने और फिर मुझे कुछ वो लेना है, वो हेयर बैंड। यार हेयर बैंड नहीं, थैंक यू, वो लेना है यार। गाइज बाल किससे बांधते हम, रबर बैंड था बोले। तो गाइज चलते चलते मुड़ रही है, मतलब जा रही है मुड़ गई। हम यहाँ जा रहे हैं, अंदर घुस जाती है हर दुकान पे। और पुजू ये देखो गांव वाली हरकत, ये देख ये देख ये देख ये देख, हर चीज देख रही है क्या है क्या नहीं। अपन के यहीं खड़े रहे। फॉर यू, एक मिनट। छोटे होंगे बट ये कुछ ज्यादा छोटे नहीं, इतने छोटे होते हैं बच्चे, इतना तो कोई हुआ ही नहीं होगा आज तक, इतना सा तीसी कमर मतलब। चार के आप आठ लो, आठ से नहीं चार दिन नहाती नहीं हो ना उसके हिसाब से। ये टॉवेल है, वाह यार मम्मी। बच्चों के साथ दिखाना, एक्चुअली हॉस्टल ले जाना इसको, हॉस्टल ले जाएंगी हॉस्टल। हाँ इनके लिए थोड़ा कार्टून और वो सब वाली। बहुत सुंदर, वाओ सिंगल की है। हाँ जी सिंगल बेड, बहुत शानदार चीज। तो जी मेरे प्यारे मित्रों फिलहाल घर आ गए हैं, ऊपर पापा जी हमारा वेट कर रहे हैं और मैच भी चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको वहाँ पे उसके बाद बताया नहीं कि हम वापस आ रहे हैं, तब वो ये वो इतनी भीड़ भाई साहब बता नहीं सकते, आज तो इतनी भीड़ है कि खोपड़े खोपड़े दिख रहे थे लोगों के। तो हाँ फिलहाल ऊपर चलते हैं, मैच एंजॉय करते हैं और आपको पापा जी से मिलवाते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, इंडिया की हालत खराब है। खराब है, गिल तो पहले ही आउट हो गया, वहाँ देखा था मैंने, गिल भी आउट, रोहित भी आउट। तो जी मेरे प्यारे मित्रों फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 6:04 हो रहे हैं, इंडिया की बैटिंग हो चुकी है ओवर। कुछ बहुत तो खास खेले नहीं है पर उम्मीद तो है भाई, इंडियंस है, उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते राइट। तो अभी का सीन ये है कि पहले जो तुम सुनो, मम्मी पापा ना मेरे रूम में मैच देख रहे थे, उसके बाद जैसे कि इंडिया ने थोड़ा सा बेकार खेला तो उसके बाद मम्मी बोलती है ये जगह ही मनहूस है, चलो अपने रूम में वापस, और ऐसे करके दोनों अपने रूम में वापस चले गए। तो अब जो बाकी का मैच है वो हम सब मम्मी पापा के रूम में देखने वाले हैं। अब अगर वहां भी कुछ नहीं किया तो फिर उन्हीं का रूम भी मनहूस हो जाएगा। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ फिलहाल का सीन ये है कि जैसे कि थोड़ा सा ब्रेक हुआ है ना मैच में, तो जी मैं जा रही हूँ अपनी ये जो मूछ है ना वो मुंडवाने। तुम्हें ऐसे तो नहीं दिखेगी, देखो ऐसे तो तुम्हें नहीं दिखेगी, देखो इतनी नहीं है मतलब, हाँ थोड़ी थोड़ी आ जाती तो हम जाके थोड़ा सा क्लीन अप करा लेते हैं। तो इसलिए मैं जा रही हूँ जिससे पहले मैच दोबारा शुरू हो जाए, वैसे तो आधा घंटा है। फिलहाल मैं जाती हूँ और आपको वापस आके मिलती हूँ, और जाने से पहले मम्मी पापा से मिलवा के जाती हूँ। तो हमारा रूम मनहूस है ऐसा। हाय पापा जी, बिल्कुल नहीं है बेटा, पापा इनका तो यही कहना है, नहीं गलत बोल, इंडिया की हालत बहुत खराब, उनकी बैटिंग देखी कितनी गंदी। मैंने कहा पापा अब यहाँ बैठ के देखते हैं, चलो बैटिंग कर लो, 500 की लगी इंडिया जीत लग चुकी है। पापा बोल रहे हैं इंडिया जीतेगा, मैं कह रही हूँ भारत जीतेगा। और कुकू कह रही है शायद हिंदुस्तान जीत जाए। अरे मैं क्या कह रही हूँ, पर हाँ तेरा देखना पड़ेगा। अच्छा तो कितने की है भाई शर्त, 500 रुपए। अब अपन ब्लॉग के एंड में दिखाएंगे भी सही पापा, फिर कौन जीतता है कौन नहीं। अगर मैं जीती बेटा, अगर मैं जीती तो पापा देंगे, और अगर पापा हारे तो पापा ही देंगे। चल मैं होकर आ रहा हूँ, ठीक है। क्या बाबा जी अपने आप लेट गए? ओ बाबा जी दीदी खड़ी है, हाँ बात कर रहे हैं ना। क्या बात है, आउट। शर्त जीतते हुए दिख रहे हैं मुझे पापा। इधर ही देखो ना, वहाँ देख रहे हो मैच, क्या बोल रही हो? इधर ही आके देख लो ना, बैठो फिर नीचे, हमें लेटना है भैया। अरे तो यहाँ लेटो ना आप मेरे से, दस अपने ये मेरा और कुक्कू का खाना आया है डिनर, बस हम लोग डाइटिंग, इतना सा
हम दोनों डाइटिंग पर है ना, इसलिए अभी तुम्हारा और पापा का और आ रहा है। और ये हमने किया है उडीपी किचन से साउथ इंडियन खाना। और गाइस हमारे हमारे घर में दो बंदों का खाना है बस ये। अरे इसमें इतनी ढेर सांबर चटनी रख देते हैं वो। गाइस मेरा डिनर आ चुका है और मैं डाइटिंग पर हूँ तो सिर्फ इतना सही खाऊंगी। बहुत शानदार। ये मेरा और कुक्कू का साउथ इंडियन है इसलिए थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है। ये इस भुक्कड़ का बर्गर बाइट से और ये मेरे प्यारे प्यारे डार्लिंग। अबे तो मैं काहे को भुक्कड़ हो गई, सबसे बड़ा तुम्हारा। ये देखो ये इतना बड़ा इसमें है क्या रोल। इसमें कुक्कू का भी है। आंटी जी, आंटी जी, ओके एक मिनट लाइट ऑफ करना। हाँ ठीक।